हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसका दूसरा लेक्चर है, यह है बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के यूनिट नंबर सेकंड में स्थित है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम संख्यात्मक अवकलन का अध्ययन कर रहे हैं, आपको पता है इसमें पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र के ऊपर कैसे उनका डिफरेंशिएशन किया जाता है और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, जो कि आप देख सकते हैं एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू पश्च अंतर्वेशन एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू पश्च अंतर्वेशन संकारक का स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस वन यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री पश्च अंतर्वेशन संकारक का क्यूब एफ ए प्लस एन एच प्लस डैश डैश डैश, ये हमने अध्ययन कर लिया था। अब आप समीकरण नंबर एक पे ध्यान दीजिए, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस एन एच यू डेल्टा एफ ए प्लस एन एच, द्वितीय टर्म को एफ जैसे कि जैसे लिख ली, फिर यू यू प्लस वन था उसको मल्टीप्लाई करके यू स्क्वायर प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा पश्च अंतर्वेशन संकारक का स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस वन यू प्लस टू, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया तो यू क्यूब प्लस थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री पश्च अंतर्वेशन संकारक का क्यूब एफ ए प्लस एन एच प्लस डैश डैश डैश। ये एक नंबर सेमीकरण है, इसमें कुछ नहीं किया हमने। जो ओरिजिनल सेमीकरण थी, ओरिजिनल जो फॉर्मूला था, उसमें यू यू प्लस वन यू प्लस वन यू प्लस टू इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब विद्यार्थियों, हम ये जो एक आई है समीकरण, इसका u के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो, जैसे u के सापेक्ष अवकलन करोगे, पहले LHS देखिए एक नंबर का, इस पर फंक्शन के ऊपर डैश लग जाएगा, एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इस पर डैश लग जाएगा, और उसके बाद में u के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो a प्लस एन एच का तो जीरो हो जाएगा, u के सापेक्ष तो h बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, ऊपर समीकरण में h बाहर आ गया और डिफरेंशिएशन। अब राइट हैंड में देखिए, एक नंबर के पहले में देखो a प्लस एन एच के पास में u नहीं है तो इसका शून्य प्लस u u का वन आ गया, फिर पश्च अंतर्वेशन सूत्र f a प्लस एन एच प्लस u का वन आ जाएगा। देखिए एक नंबर समीकरण देखिए, इसकी राइट हैंड साइड में u के सापेक्ष अवकलन देखिए हम करना चाहते हैं, तो f a प्लस एन एच का शून्य हो जाएगा प्लस u का वन आ गया, फिर पश्च अंतर्वेशन संकारक एफ ए प्लस एन एच प्लस यू स्क्वायर प्लस यू का टू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू पश्च अंतर्वेशन संकारक का स्क्वायर प्लस डैश प्लस ए प्लस एन एच प्लस थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री पश्च अंतर्वेशन संकारक का क्यूब एफ ए प्लस एन एच। ये देखो, ये रहा आपका ऊपर टॉप पर, ये सेम बन गया। अब आपने एच जो है लेफ्ट हैंड में एफ डैश के पास में एच है वो इधर राइट हैंड में भेज दिया, तो एक बटा एच में आ जाएगा, ये समीकरण बन गया। तो ये आपके पास में जो एक नंबर समीकरण है, ये आपके पास में ये दो नंबर है एक्चुअली में, ये समीकरण है वो दो नंबर समीकरण है, तो आप इसको दो नंबर समीकरण लिख सकते हो। दो नंबर समीकरण देखिए, ये समीकरण नंबर दो। अब दो का पुनः u के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण दो जो आई है उसका पुनः u के सापेक्ष अवकलन करो, तो u के सापेक्ष देखो लेफ्ट हैंड में, फिर f डैश का f डबल डैश आ जाएगा, a प्लस एन एच प्लस यू एच, तो u के पास में h है तो वो बाहर आ जाएगा, और इधर राइट हैंड में देखिए वन अपॉन एच
स्पष्ट अंतर्वेशन संकारक है, फे प्लस एन एच इसका शून्य हो जाएगा क्योंकि यू है नहीं। फिर प्लस टू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, तो टू यू का वन हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल टू ये इससे। फिर स्पष्ट अंतर्वेशन संकारक एफ ए प्लस एन एच प्लस ये आ जाएगा थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू, तो ये आ जाएगा सिक्स यू प्लस सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री स्पष्ट अंतर्वेशन संकारक का क्यूब एफ ए प्लस एन एच प्लस डैश 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 ये आ जाएगा। फिर एच का आप वापस डिवाइड कर दीजिए इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एच स्क्वायर। तो ये आपके पास में नीचे जो समीकरण आई है उसका एच का आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आपके पास में दो नंबर, इसको आप तीन नंबर कह सकते हैं, इसको आप तीन नंबर समीकरण कह सकते हैं, तीन इसको आप तीन नंबर समीकरण कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। विद्यार्थियों यह एग्जांपल है, आप इसको रीड कीजिए। एफ डैश एक्स का मान एक्स बराबर 0.4 पर ज्ञात कीजिए। तो एक्स एक टेबल देखिए, ये टेबल हमें गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.4 और एफ एक्स दे रखा है आपका 0.1 पे जो मान है 1.10517, 0.2 पे है 1.22140, 0.3 पे है 1.34986, 0.4 पे है 1.49182, ये आपके पास में इन्होंने मान दे रखे हैं। ये टेबल हमने रीड कर ली विद्यार्थियों। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में अंतर सारणी बनानी है। अंतर सारणी में देखिए आपको पांच कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक्स एफ एक्स फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस। एक्स में क्या वैल्यू आएगी, जो टेबल में 1.1 0.2 0.3 0.4 दे रखा है वो एक्स में लिख दीजिए। एफ एक्स में क्या वैल्यू आएगी वो सारी रख दीजिए 1.10517, 0.2 पे 1.22140, 0.3 पे 1.34986 और 0.4 पे 1.49182 ये वैल्यू रख दीजिए। अब फर्स्ट तीसरा कॉलम देखिए, तीसरे कॉलम में फर्स्ट डिफरेंस, तो इसमें आपको देखिए जो 0.1 पे वैल्यू है और 0.2 पे वैल्यू है उसमें वन पहले कैलकुलेटर में आप दबाओगे 1.22140 माइनस का चिन्ह दबाओगे, फिर दबाओगे 1.10517, जैसे ही घटाओगे तो ये 0.11623 ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप 0.3 पे अब आप तीसरे कॉलम की दूसरी वैल्यू देखिए 0.12846 ये कैसे आएगा, तो 1.34986 में से 1.22140 घटा दीजिए ये आ जाएगा। फिर आप 0.4 तीसरे कॉलम की लास्ट वैल्यू देखिए 0.14196 ये कैसे आई, तो आप 0.149182 में से 1.34986 घटा दीजिए ये आ जाएगा। अब आप चौथा कॉलम देखिए, चौथे कॉलम की पहली वैल्यू 0.01223 ये कैसे आई, तो पहले आप कैलकुलेटर में जो थर्ड कॉलम की वैल्यू है 0.12846 दबाइए माइनस का चिन्ह, फिर 0.11623 दबाइए ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, पॉइंट 0123। फिर इसी तरीके से तीसरे कॉलम की वैल्यू 0.14196 में से 0.12846 घटाओगे तो 0.01350 आ जाएगा। अब आपकी लास्ट जो कॉलम है उसकी जो ए की वैल्यू है वो कैसे आएगी, जो चौथा कॉलम है इसकी वैल्यू 0.01350 घटा में से माइनस 0.01223 घटा दीजिए तो 0.00127 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप के एग्जामिनेशन में इस टेबल के अंक आधारित होते हैं, तो इसको बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। यह टेबल जो है इसकी वैल्यूज आगे जब फॉर्मूले में रखेंगे तो बहुत ही उपयोगी है ये टेबल। तो हमें चूंकि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में देखिए एफ डैश एक्स का मान एक्स बराबर 0.4 पर निकाल लिए, तो सबसे पहले आपको 0.4 टेबल में देखिए 0.4 एंड में है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र लगाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो ये आपने सबसे पहले इसमें न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र का जो कि हमने
पेज नंबर एक पे जो डिफ्रेंशिएशन करके निकाली थी समीकरण एक नंबर, वो लिख लीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, देखो आप इस को पढ़िए, देखो मेरे साथ में, हमें ज्ञात करना है, वो देखिए इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, एफ डैश ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ डैश पॉइंट फोर। तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच कितना आ गया, पॉइंट फोर। तो ए प्लस एन एच, अब देखिए पॉइंट फोर किसके नज़दीक है, पॉइंट फोर किसके नज़दीक है ये बताओ। तो पॉइंट फोर जो नज़दीक है वो देखिए, पॉइंट फोर नज़दीक है पॉइंट फोर के, तो ए प्लस एन एच का मान सीधा पॉइंट फोर आ गया। एच का मान देखिए, एच का मान कैसे पता चलता है, एक्स का मान देखिए, एच का मान पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर है, तो एच का मान आ जाएगा पॉइंट वन। तो ये आ जाएगा अपने पास में पॉइंट वन। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए ए प्लस एन एच की पॉइंट फोर, यू का मान यू ही है, एच का मान पॉइंट वन है। आप ध्यान दीजिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की ए प्लस एन एच पॉइंट फोर ले लिया जिसके नज़दीक होता है, फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र में इस पूरी वैल्यू को लिया जाता है ए प्लस एन एच। अपने को एफ डैश पॉइंट फोर निकालना है, दिमाग में रखिए। तो ए प्लस एन एच का मान पॉइंट फोर लेंगे, क्यों, पॉइंट फोर पॉइंट फोर के नज़दीक सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद में यू, एच का मान आप देख लीजिए, एक्स में पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री, इनमें डिफरेंस कितना है, पॉइंट वन का है, तो एच का मान पॉइंट वन है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इसमें, जैसे ही रखोगे तो यू का मान आ जाएगा जीरो। अब आपने एक नंबर समीकरण में मान रखना शुरू किया, तो एफ डैश चूँकि आपने को पता है ए प्लस एन एच प्लस यू एच का मान पॉइंट फोर है, तो पॉइंट फोर इज इक्वल टू एक बट्टा एच, एक में ध्यान दीजिए, एक बट्टा एच, एक बट्टा पॉइंट वन, फिर ब्रैकेट ऑन, प्रथम डिफरेंस है पे प्लस एन एच। तो अब ये देखिए, अब ये मान कहाँ से आएंगे वो देखिए, टेबल की टेबल में देखिए, फर्स्ट डिफरेंस, तो ये देखिए तीसरे कॉलम की लास्ट वैल्यू पॉइंट वन फोर वन नाइन सिक्स, ये वैल्यू आपने रख दी, प्लस टू यू, यू का मान जीरो है, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, फिर फर्स्ट अंतर्वेशन अंतर्वेशन संकारक का स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच। तो ये फोर्थ नंबर जो टेबल का फोर्थ नंबर है उसकी लास्ट वैल्यू पॉइंट जीरो वन थ्री फाइव जीरो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा द्वितीय वैल्यू। अब देखो एक नंबर समीकरण की तीसरा जो टर्म है, तीसरी टर्म देखिए, थ्री यू स्क्वायर प्लस सिक्स यू प्लस टू, तो यू का मान जीरो है, तो टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री, और ये आ जाएगा फर्स्ट अंतर्वेशन संकारक एफ ए प्लस एन एच। तो ये आ जाएगा अपने पास में पॉइंट जीरो जीरो वन टू सेवन, तो ये आ जाएगा पॉइंट जीरो जीरो वन टू सेवन। ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट होने के बाद में आपके पास में ये आ जाएगा एफ डैश पॉइंट फोर इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर नाइन वन थ्री। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं एफ डैश पॉइंट फोर। इसी तरीके से अगर आप डबल डिफरेंशिएशन एफ डैश एफ डबल डैश पॉइंट फोर निकालना होता है, तो एक नंबर जो समीकरण है इसका पुनः यू के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके टेबल से वैल्यू रखनी होती है। यह है न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिफरेंशिएशन के टॉपिक हैं, तो हम प्रत्येक लेक्चर में एक फॉर्मूला उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे और उसके ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।